Hello, good morning, dear student. In the previous lecture, we have to seen that what is a single phase induction motor and what is the constructional details and what is the working principle. Okay. In this lecture, we will discuss about classification of single phase induction motor. Okay. In this lecture, we will discuss about classification of single phase induction motor basically on the basis of starting here five types of single phase induction motor. First one is split phase induction motor, second one capacitor start induction motor, and second one capacitor start and run, and fourth one permanent capacitor start, and last one and five साइडेड पोल इंडक्शन मोटर. ओके, तो यहाँ पर जो है कि आपका स्टार्टिंग के बेसिस पे कैपेसिटर सॉरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली पांच तरीके के होते हैं. एक आपका स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, कैपेसिटर परमानेंट एंड साइडेड पोल इंडक्शन मोटर. ओके, तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्प्लिट फेज स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में. ठीक है, स्प्लिट फेज करके हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो फेज है उसमें हम स्प्लिट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन कर रहे हैं. ठीक है, इनके फेज में क्या कर रहे हैं, वेरिएशन करके हम जो है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो बेसिकली ये आपको जो है कि अलग से, जैसे हम कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं तो आपको कैपेसिटर दिखाई देता है कि हमने इसको कैपेसिटर से स्टार्ट किया है, या साइडेड पोल से हम साइडिंग जो क्वाइल लगाकर हम करते हैं तो हमको चीज़ें समझ में आती हैं कि हम जो है कि कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं या साइडिंग पोल से स्टार्ट कर रहे हैं. तो जब स्प्लिट फेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इनमें वाइंडिंग है इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये कम होता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग टार्क कम होगा तो इसमें जो है कि आपका पावर फैक्टर भी कम होगा. ठीक है, स्टार्टिंग टार्क अगर कम होगा तो पावर फैक्टर भी कम होगा और ये आपका उतना एफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है, तो देखिए आपके पास ये रोटर है, ये आपकी जो है कि स्टेटर का पार्ट है, इसमें आपकी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है. इसको आपने क्या किया है, स्टेटर को एसी सप्लाई से आपने जोड़ दिया है. ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया है. ठीक है, क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को. देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड इन सीरीज विथ मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या इन पैरेलल विथ मेन वाइंडिंग. आपके सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में होती है कि आपकी मेन वाइंडिंग के पैरेलल में होती है, तो क्वेश्चन आपका वेरिएशन आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या होगा. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्विच जो कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में यूज करते हैं कि पैरेलल में यूज करते हैं. ठीक है, और भी आपसे ऑप्शन बना सकता है. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन वाइंडिंग है वो और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये एक दूसरे से कैसे होती हैं, एक दूसरे के स्टार्टिंग में ये कैसे होती हैं, पैरेलल में होती हैं. जब आपका मोटर आपकी स्पीड अटेंड कर लेता है 70-80% तो आपका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये क्या हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है. ठीक है, तो और आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मेन वाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है ज़्यादा होता है. ठीक है, और क्वेश्चन बैरी करके आपसे पूछा है कि जो आपका मेन वाइंडिंग है उसका जो इंडक्टेंस है वो आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ज़्यादा है, कम है, इक्वल है. ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कम्पिटेटिव एग्जाम में बने हैं. ठीक है, और आने वाले दिनों में जो स्टेटिक्स क्वेश्चन है ये बन सकते हैं. ठीक है, जो आपके बैरी करने वाले क्वेश्चन है, जैसे आपका बैरी करने वाला क्वेश्चन क्या है कि आपकी एस बी इक्वल टू होता है 2-SF, तो इसमें आपका जो है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, आपकी फॉरवर्ड स्लिप दे देगा तो आपसे बैकवर्ड स्लिप पूछ लेगा. ठीक है, तो ये आपके जो स्टेटिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ये होता है, ठीक है, आर एम और एक्स एम, इसका और इसका जो रेशियो है किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्प्लिट फेज करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस और ऐड कर देते हैं. तो जब इसमें हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो देखिए आपका क्या होगा, आर एम जो कम हो जाएगा किससे,
आरए से, ठीक है, ये क्या होगा आरएम, जो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो कम होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर दे रहे हैं। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो इसका जो इंडक्टेंस है ये कम हो जाएगा। देखिए इसका जो इंडक्टेंस है ये कम हो जाएगा किसके इंडक्टेंस से, मेन वाइंडिंग के इंडक्टेंस से। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव इसमें से बनाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ से जो आपकी करंट जा रही है ये आपकी कौन सी करंट है, आई है। जो मेन वाइंडिंग में करंट जा रही है ये कौन कौन सी करंट है, आई एम है। जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में या स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट जा रही है वो आपकी है आई ए, ठीक है। तो देखिए जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर आपका कौन सा वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है ये, अगर आप इसको रिफरेंस मानकर, इसको रेफरेंस मानकर इनके फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो जो मेन वाइंडिंग है, ठीक है, जो मेन वाइंडिंग है ये 90 डिग्री पर क्या करनी चाहिए, लैग करनी चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री पर। लेकिन जो है कि आपका जो क्वायल है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो इसकी वजह से क्या करती है ये पूरी 90 डिग्री नहीं लैग करती, उससे कम ही लैग करती है। तो अगर हम इसके फेजर डायग्राम को ड्रा करते हैं तो इसको हम जो अप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, उसको हम बेस मानते हैं तो ये क्या कर रही है 90 डिग्री से कुछ डिग्री पर क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। अब देखिए ये भी वाइंडिंग इसी के क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। ये भी वाइंडिंग जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसके कैसे है, पैरेलल में जुड़ी हुई है। ये वाइंडिंग इसके पैरेलल में जुड़ी होने की वजह से, और इसमें आप क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं। जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं तो उसका जो पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इसका जो है कि क्या होगा, जो इसके जो सप्लाई वोल्टेज है और इसके जो करंट है इसका जो फेज डिफरेंस है बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। इसके देखिए इसके और इसके बीच में आपको फेज डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री मिलेगा, और इसके इसके बीच जो फेज डिफरेंस है आपको 30 डिग्री के अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो आपको है ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री तक मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से मेन वाइंडिंग के बीच इसके बीच कितना फेज डिफरेंस है, तो ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है ये जब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये वाला फेज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस अब देखिए पहले इतना था फिर इतना था, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट लिए तो आपको फेज डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया भाई, ठीक है। फेज डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होगा, देखिए ये फ्लक्स तो इसकी वजह से फ्लक्स बनेगी, इसकी वजह से फ्लक्स बनेगी, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसमें जो आपका इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका एक साइड का फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते तो यहीं पे आ जाते, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इस वजह से आपका एक हमने आपको बताया था एक आपका टार्क था T1, एक टार्क था T2, तो इन दोनों टार्क में से एक टार्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक की जो है कि फ्लक्स ज़्यादा होगी, एक की फ्लक्स क्या होगी, कम होगी। क्यों, एक की आपकी सर्किट कैसी होगी, ज़्यादा रेजिस्टिव हो गई, एक की आपकी सर्किट ज़्यादा क्या होगी, इंडक्टिव हो गई। तो जो ज़्यादा इंडक्टिव होगी उससे क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पास होगी, ठीक है। उससे आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेंगी, ज़्यादा निकलेंगी। तो उस वजह से क्या होगा, आपका एक टार्क, ठीक है, एक टार्क आपका ज़्यादा होगा और एक टार्क आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एक टार्क मान लीजिए आपका T1 ज़्यादा हो गया, तो T1 हमने बताया था आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, T2 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो T1 जब ज़्यादा होगा तो मोटर आपका क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ठीक है। जब आपका T1 ज़्यादा हो जाएगा तो आपका मोटर क्या करेगा, ये आपका T1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, T2 हो गया। तो T1 जब ज़्यादा होगा तो आपका मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। अगर आप मोटर की जो डायरेक्शन है अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, वैसे आपको मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है मोटर के रोटेशन की, तो पहले आपको मोटर का जो रोटर है, ठीक है, उसको रेस्ट की कंडीशन में लाना पड़ेगा, मोटर को आपको रेस्ट की कंडीशन में लाना पड़ेगा। फिर इन दोनों जो वाइंडिंग है,
इन जो दो वाइंडिंग है इनके टर्मिनल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनके इनके टर्मिनल्स को आपस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब इनके टर्मिनल्स को आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो फ्लक्स है वो आपकी जो टार्क है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका टार्क क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। तो पहले अगर मान लीजिए पहले आपका मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो आपने क्या किया, इसको स्टॉप किया, सप्लाई को डिसकनेक्ट किया, फिर इसके बाद इनके जो टर्मिनल है आपस में इसको इंटरचेंज किया, फिर जो है कि दूसरी केस आएगी, तो दूसरी केस में आपका मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोटर आपका रोटेट करेगा। ओके, तो ये आपका होता है क्या करने का, स्टार्टिंग करने का आपका तरीका होता है। ठीक है, स्प्लिट फेज आपका तरीका है, जिसमें स्प्लिट फेज में क्या होता है, जो आपका आरएम है वो आपका मतलब आरएम मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से कम होता है, मेन वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के इंडक्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका ये जो फेजर डायग्राम है इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारा मोटर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो जो है कि उसके ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका वो आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज करेंगे, आफ्टर रेस्ट करने के बाद, इसको रोकने के बाद उसको टर्मिनल्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, देखिए अगर आप इसके इस टार्क की बात करेंगे, अगर आप केवल मेन बाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है, तो मेन बाइंडिंग लगाते हैं तो क्या करेगा, आपका मोटर यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखिए जब आपका ये मोटर 70 से लेकर 80% फुल स्पीड अगर मान लीजिए आपकी है, क्या ये 100 होनी चाहिए, तो इसका अगर 70 से लेकर 80% फुल स्पीड का स्पीड पर अगर ये आपका क्या करना लगता है, रन करने लगता है, मतलब फुल स्पीड का 70 to 80% स्पीड अगर अटेंड कर लेता है, तो जो आपकी ऑक्सिलरी स्विच है ये आपकी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब मोटर आपका इसके फुल स्पीड का, ठीक है, फुल स्पीड का 70 to 80% अगर ये स्पीड अटेंड कर लिया, तो ऑक्सिलरी स्विच क्या हो जाती है, आपकी ओपन हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपकी ओपन हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होने की वजह से ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या हो जाती है, आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जब आपकी मेन वाइंडिंग है, तब आपका यहाँ पर आने पर ये आपका, अगर मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप कहाँ तक लाते हैं, इसके 70 to 80% तक इसके रेटेड स्पीड तक ले आते हैं, तब आपका मोटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों को प्लेस करते हैं, तो मोटर आपका जो है कि यहाँ से स्टार्ट करने लगता है। आप क्या करेगा, देखिए ये आपका जीरो से स्टार्ट करता, ये आपका यहीं से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये आपकी कुछ परसेंटेज क्या है, स्पीड है, या परसेंटेज इसका क्या है, ये टार्क और स्पीड के बीच कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किया गया है, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपका यहाँ पर इतना टार्क होगा, तो आपकी स्पीड अटेंड कर जो है कि स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इधर से स्टार्ट होगा, फिर जब ये आपका कहाँ पहुँचेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मतलब 70 to 80% जब स्पीड को पकड़ लेगा, तो आपका यहाँ पर ये फुल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 70 to 80% ये अपनी फुल स्पीड का अटेंड करेगा, तो मोटर एक बार क्या करेगा, अपनी स्पीड को डाउन करेगा। ठीक है, अपनी स्पीड को डाउन करेगा, फिर इसके बाद ये फुल लोड पर पहुँचेगा। ठीक है, तो ये फुल लोड का आपका क्या होता है, 1.5 से लेकर 2 तक जो है कि फुल लोड का स्टार्टिंग में इसका टार्क होता है। स्टार्टिंग में कितना टार्क होगा, 1.5 से लेकर 2 तक इसका स्टार्टिंग टार्क होता है, किसका, फुल लोड का। ठीक है, अगर देखिए जो आपका स्प्लिट फेज स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, उसी को आप रेजिस्टेंस स्टार्ट भी कहते हैं। इसका जो यूज है, यूज आप कहाँ करते हैं, इसका आप यूज करते हैं ग्राइंडर में करते हैं, ठीक है, लेथ मशीन में भी करते हैं, और आपका जो
फूड मिक्सचर हो गया, फूड मिक्सचर में भी इसका आप यूज करते हैं, ठीक है। और आप रेफ्रिजरेटर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। और आपका जो एसी आपका कंप्रेसर होता है, एसी कंप्रेसर में भी आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। तो बेसिकली जो कैपेसिटर स्टार्ट आपका इंडक्शन मोटर है, ये जो कैपेसिटर इसमें कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ये कैपेसिटर जो कनेक्ट किए हैं आर्मेचर वाइंडिंग, सॉरी जो आपकी एक्जिलरी वाइंडिंग, एक्जिलरी वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग में कहते हैं, इसी को स्टार्टिंग वाइंडिंग में कहते हैं, ठीक है। कोई रनिंग वाइंडिंग कहता है, कोई एक्जिलरी वाइंडिंग कहता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली जब आप मोटर वाइंडिंग कराने जाएंगे तो वो जो है कि इसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और जो हम थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ते हैं उसमें इसी को ऑक्जिलरी वाइंडिंग कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है, ये आपका कैपेसिटर कौन सा कनेक्ट होगा, ये आपका जो कैपेसिटर है ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक होता है। कैसा कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, ठीक है। और ये आपका कैपेसिटर इलेक्ट्रोलिटिक होगा और जो इसकी वैल्यू है ये लार्ज अमाउंट की होगी, ठीक। कैपेसिटर जो होगा और ये आपका कैसा होगा, लार्ज अमाउंट की वैल्यू होगी, ठीक है। हम जो है कि अपने फैन में जो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 2.5 माइक्रो फैरड, ठीक है। कितनी होती है, 2.5 माइक्रो फैरड, ठीक है। तो कैपेसिटर का हम केवल स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, बट थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर एंड थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज आल्सो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो बेसिकली आप ये कहेंगे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और जो थ्री फेज आपका सिंक्रोनस मोटर है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। इनको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नियम्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। जैसा कि आप कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर रन एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तरीके से होते हैं आपके स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर आप कनेक्ट करते हैं ये इसके कैसे होते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में होता है, ठीक है। और ये आपका जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रोलिटिक होता है। तो इसमें जब आप कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट करने का जो मेथड है सब के सब एक ही तरीके हैं, बस डिफरेंस ये है कि आपका जो है कि कैपेसिटर अगर आप इसमें स्टार्ट करते हैं तो जो इसका स्टार्टिंग टार्क होगा हाई होगा। अगर आप इसके स्टार्टिंग टार्क की बात करेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है 3 से लेकर 4.5 टाइम्स होता है किसका, फुल लोड टार्क का। किसका, फुल लोड टार्क का। अगर आप फुल लोड टार्क देते हैं, ठीक है, जब फुल लोड देते हैं तो उस कंडीशन में जो टार्क रिक्वायर्ड होता है तो स्टार्टिंग में ही इतने ही टार्क से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। फुल लोड पे जैसे कि मान लीजिए फुल लोड पे आपका जो है कि 1000 RPM से घूम रहा है, ठीक है। तो फुल लोड का इसका 3 to 4.5 टाइम्स फुल लोड के टार्क का स्टार्टिंग में ही तेज़ी से स्टार्ट होता है। जैसे इस चीज़ को आपको समझाता हूँ मैं कि जब कोई भी चीज़ जैसे आप स्टार्ट करते हैं ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब क्या, इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत कम है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत कम है। अगर इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होगा तो ये ऐसे ही स्टार्ट होगा, जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है, स्विच को ऑन करेंगे बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। तो यही कहने का मतलब कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जो फुल लोड टार्क होता है उसका 3 से लेकर 4.5 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू है ये लार्ज वैल्यू आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जब सा कि आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर आप क्या करते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो जो आपकी करंट होती है वो क्या करती है, उसके अप्लाइड वोल्टेज से लीड करती है। देखिए जैसा कि हमने पिछला फेजर डायग्राम देखा था तो उसमें आपका यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज बी और IM आपकी इसमें जो क्या है मेन वाइंडिंग करंट है, ठीक है, मेन वाइंडिंग में जो करंट है ये आपकी थी IM, ठीक है। और जो IS है या IA है ये
ये आपकी है ऑक्सिलरी करंट, ठीक है। तो जब आप इसके और इस तीनों के बीच फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज, इसको आपने रेफरेंस लिया, तो IM इससे क्या करेगी, लैग करेगी, ठीक है। इसमें आपका इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, इस वोल्टेज से लैग करेगा, ठीक है, इस वोल्टेज से लैग करेगा। और जो IA है ये इससे, देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इससे ये क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है, ये लीड करेगा। तो ये आपका कितना है, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए इनके बीच, क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर जो आई करंट है इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये आपकी है आई टोटल करंट, ठीक है। तो अब देखिए जो फाइनल है ये और इसके बीच आपको बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ही आपका फेज में अंतर मिलेगा। तो फाइनली आप ये देख रहे हैं कि आपको करना क्या है, कि इनके जो फेज हैं, ठीक है, इनके जो फेज हैं, ठीक है, इनके फेज, अगर इनके फेज में मैग्नीट्यूड में चेंज कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड में चेंज या फेज में चेंज कैसे मिलेगा, जब इनके बीच, इनके फेज में आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो फेज में चेंज होने की वजह से क्या होगा कि एक फ्लक्स आपकी आगे चलेगी, दूसरी फ्लक्स आपकी पीछे चलेगी। तो एक जो है कि आपका फ्लक्स फाई वन, मान लीजिए आपकी एक फ्लक्स क्या है, फाई एम है, दूसरी आपकी फाई ए है, ठीक है। तो एक फ्लक्स आपकी ये वाली फ्लक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में भी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके रिस्पेक्ट में इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाली जो फ्लक्स है इस पर टार्क लगाएगी, ठीक है, इसका जो टार्क होगा इसके टार्क से कम होगा, ठीक है। आप ये कहेंगे कि ये जो फ्लक्स है फाई ए, ये ज़्यादा होगी किससे, फाई ए से। जब फाई ए से ज़्यादा होगी तो जो फ्लक्स ज़्यादा होगी तो उस पर आपका टार्क भी ज़्यादा होगा, तो वो टार्क आपका किस पे लगेगा, जिसका फ्लक्स कम होगा, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में आपका दूसरे का फोर्स लगेगा, तो उसी के डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, मोटर स्टार्ट होगा रन करना, ठीक है। तो अगर आप इसके टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ठीक है, इसके टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, सॉरी टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा स्प्लिट फेज का जो होता है उसी तरीके से इसका भी होता है। तो ये आपका है टार्क और ये आपका है स्पीड, इनके बीच में अगर आप क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब देखते हैं कि आप जो है कि केवल मेन बाइंडिंग का यूज करते हैं, तो ये इस तरीके से आपको स्टार्टिंग टार्क मिलता है, ठीक है, टार्क आपको इस तरीके से मिलता है। जब आप क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ मेन वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ मेन वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब आपका क्या होगा, अब आपका ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्योंकि आपका स्टार्टिंग टार्क क्या हो गया, बढ़ गया, किस वजह से बढ़ गया, कैपेसिटर के कनेक्ट करने की वजह से आपका स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये मैक्सिमम पहुँचेगा, फिर जैसे ही ये आपका इसकी फुल लोड स्पीड का 70-80% ये अटेंड कर लेगा, ठीक है, 70-80% फुल लोड का, फुल स्पीड का ये आपका अटेंड कर लेगा, तो ये क्या होगी, जो ऑक्सिल, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होगी तो इसकी स्पीड थोड़ी डाउन होगी, एट रेंडम इसकी स्पीड क्या होगी, डाउन होगी, फिर ये अपना जो है कि स्पीड को पिक करेगा, ठीक है, फिर आपका ये पिक करेगा। वैसे अगर आपका ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये ऐसा नहीं करती, तो ये आपका मोटर इधर से स्टार्ट होकर ये वाला कर्व पकड़ता, ठीक, तो ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है ये इसको फॉलो अप नहीं करना पड़ता, ये इधर से आपका कैरेक्टरिस्टिक पकड़ लेता, ठीक है। तो ये आपका है कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में, और कैपेसिटर जो स्टार्ट मोटर है इसका आप यूज कहाँ करते हैं, इसका जो यूज है ये आप करेंगे पंप में करेंगे, कंप्रेसर में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में करेंगे, एसी कंप्रेसर में करेंगे, कन्वेयर में करेंगे, इन जगहों पर आप इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आपका
कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन की केस में हम क्या करते हैं, एक हमारा कैपेसिटर स्टार्ट है, ये इसके और इसके क्या है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, और इसी के पैरेलल में हम एक कैपेसिटर और लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर रन, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर रन है, ये इस सप्लाई के कैसे है, पैरेलल में है, ठीक है, और ये आपका इसके जो है कि ये देखिए इसके सीरीज में हुआ है, ठीक है, ये किसके आपका है, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो जो फिगर आपका है सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, कुछ चीज़ें आपकी एडिशनली ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो एक आपका है सी एस और एक आपका सी आर, तो इसमें आप कैपेसिटर जो जैसा कि हमने आपको बताया जो सी एस है कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट के लिए, तो ये आपका लार्ज वैल्यू का होता है, जो आपका किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप के कैपेसिटर होते हैं। और इसमें आपका भाई ये है सी आर, सी आर आपका है पेपर स्पेस्ड आयल फील्ड कैपेसिटर, ठीक है, पेपर स्पेस्ड आयल फील्ड कैपेसिटर, ठीक है, ये पैरेलल में आपके कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट और रन है, तो कैपेसिटर जो स्टार्ट है ये स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जब ये आपका मोटर अपनी फुल लोड स्पीड का 70-80% अटेंड कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला जो आपका ओपन हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये आपका क्या करता है, कंटिन्यू कनेक्ट रहता है, ये आपका क्या रहता है, कंटिन्यू कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपका यूज किया जाता है, ये वाला आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, या उसका काम करता है, किसका, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है कि किस तरीके से काम करेगा, जब ये आपका स्पीड का फुल लोड स्पीड का 70-80% ये अटेंड कर लेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो कैपेसिटर है ये आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा और ये आपका रनिंग कंडीशन में काम करता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसके ये जो आपका होता है ये आपका स्मूथली काम करता है, कैसे काम करेगा, स्मूथली काम करेगा और ये आपका क्वाइट मतलब शांति से, इसमें किसी तरीके का नॉइज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसके एप्लीकेशन की अगर आप बात करेंगे तो इसका यूज हम करते हैं किसमें, पंपिंग में करते हैं, ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, पंपिंग में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में करेंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में करेंगे और एसी कंप्रेसर में करेंगे, किसमें करेंगे, जो एसी कंप्रेसर है उसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है लगभग सिमिलर है, जो आपका सेडेड फुल इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा वेरी करता है, बाकी सब के जो है कि एप्लीकेशन एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमानेंट कैपेसिटर के बारे में, तो परमानेंट जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, जो परमानेंट कैपेसिटर होता है उसमें आप क्या करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर में आप जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ठीक है, स्विच का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एक कैपेसिटर का आप सिंपली यूज करते हैं। तो अगर इसके कनेक्शन की बात करेंगे तो ये इसका सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। कई बार ऐसा होता है अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग को यहाँ पे रख दिया, मेन वाइंडिंग को यहाँ पे रख दिया, तो लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका हो गया रोटर, ठीक है, और ये आपकी ये आपका हो गया सप्लाई, ठीक है, ये आपकी हो गई ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये आपकी मेन वाइंडिंग, ये आपका रोटर हो गया, तो कनेक्शन एक ही जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी आपके पैरेलल में है, ये भी आपके इस सप्लाई के क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, दोनों कनेक्शन आपका एक ही जैसा है। तो जो आपका कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर का है, ठीक है, परमानेंट
कैपेसिटर स्टार्ट, तो परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट में क्या करते हैं, जो ये कैपेसिटर आप यूज कर रहे हैं इसको परमानेंटली यूज करते हैं, ठीक है। ये हमेशा आपका कैपेसिटर में क्या लगा रहता है, ये आपका हमेशा कैपेसिटर लगा रहता है। इसमें आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसका आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो टार्क प्रोड्यूस करता है ये यूनिफॉर्म टार्क प्रोड्यूस करता है, कैसा यूनिफॉर्म टार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म टार्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो इसका स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग टार्क हो वो हाई होता है, पावर फैक्टर ये भी हाई होता है, इफिशियंसी ये भी हाई होता है, ठीक है। इसकी जो इनिशियल कास्ट होती है, ठीक है, ये आपका एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, इसकी जो इनिशियल कास्ट है, ठीक है, इसकी जो इनिशियल कास्ट होगी ये भी हाई होती है, सब हाई हो जाता है, ठीक है, सब क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो कैपेसिटर आप यूज करते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या होता है, आयल फील्ड कैपेसिटर आप यहाँ पर यूज करते हैं। कौन सा कैपेसिटर यूज करेंगे, आयल फील्ड कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हो गए, यूनिफॉर्म टार्क हो गया, स्टार्टिंग टार्क हाई होगा, पावर फैक्टर हाई होगा, इफिशियंसी इसकी क्या होगी, हाई होगी, इनिशियल कास्ट भी आपकी क्या होगी, हाई होती है, ठीक है, इनिशियल कास्ट क्या होगी, हाई होती है, ठीक है। और इसमें जो नॉइज होती है, ठीक है, एक पॉइंट और नोट करिएगा, इसकी जो नॉइज होती है इसमें नॉइज आपको कम मिलती है, किसमें, परमानेंट कैपेसिटर में, ठीक है। तो देखिए जो हम क्लासीफाई करते हैं बेसिकली चार तरीके से ये क्लासीफाई करते हैं, तो इसको हम कंसीडर उतना नहीं करते हैं। ये आपका परमानेंट कैपेसिटर जो आपके रन हो गए, और जो आपका पहले आपने पढ़ा था कैपेसिटर स्टार्ट, तो उन्हीं के अंदर में ये आपका आ जाता है, ठीक है, ठीक। अगर आप इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन है वो आप कहाँ करते हैं, इसका आप यूज करते हैं पंपिंग में, ठीक है, पंप में, कंप्रेसर में, ठीक है, पंप में, कंप्रेसर में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में करेंगे। और आपका इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका जो यूज है इसका यूज हम जो आपकी ड्रिल है, ड्रिल मशीन, इसमें भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, या आप ड्रिल मशीन नहीं कहेंगे, ड्रिल मशीन में नहीं, इसका जो है कि आपका जो ब्लोअर हो गया, ठीक है, ब्लोअर इसमें करते हैं आप, और जैसे कुछ ऑफिस के टूल्स हैं उसमें आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में, ठीक है। तो जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक है, कैसे सेल्फ स्टार्टिंग होता है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शेडिंग बैंड, ठीक है, शेडिंग रिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं, शेडिंग रिंग का। तो ये जो रिंग होती है ये आपकी सिंगल टर्न की होती है, ठीक है, ये आप क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल टर्न की रिंग यूज करते हैं, ठीक है, दो आपके शेडिंग रिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शेडेड एरिया हो गया, ये भी आपका कौन सा एरिया हो गया, ये आपका शेडेड एरिया हो गया, ठीक है। ये देखिए आपकी यहाँ से सप्लाई हम देते हैं, ठीक है, पहले देखिए ये आपका क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्यों सेल्फ स्टार्टिंग होता है अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। और इसमें स्टेटर जो होते हैं, ठीक है, ये जो स्टेटर होता है ये साइलेंट पोल होते हैं, ठीक है, साइलेंट पोल होते हैं, ठीक है, पहले से आप जब इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें पोल आपके क्या होंगे, बन जाते हैं, ठीक है। शेडिंग रिंग जो है कि आपकी ये क्या करते हैं, शेडिंग रिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की आपकी, ठीक है, कॉपर शेडिंग रिंग आप यूज करते हैं किसके लिए, इस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो जो शेडिंग रिंग है या आप कह सकते हैं कि शेडिंग कॉयल, ये आपकी सिंगल टर्न की होती है, कैसी होती है, सिंगल टर्न की कॉयल होती है, ठीक है।
तो जो आपकी फ्लक्स होती है, जो फ्लक्स होती है वो अनसाइडेड पोर्शन, ठीक है, ये आपका कैसा पोर्शन है, ये आपका अनसाइडेड पोर्शन है। ये आपकी कौन सी बाइंडिंग है, ये आपकी है मेन बाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन बाइंडिंग है, और ये आपका क्या है, स्टेटर का पार्ट है, ये आपका स्टेटर का पार्ट है, ये आपका क्या है, रोटर है, ये आपका क्या है, ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, और ये आपके रोटर में जो कंडक्टर हैं वो पुट किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है कि जो फ्लक्स है वो अनसाइडेड टू साइडेड पोर्शन तक क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमें ये बताना है कि किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो इसमें आपका डायरेक्शन ऑफ रिवर्सर, ठीक है, जो इसको रिवर्स करने की डायरेक्शन है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जब डिजाइन करते हैं तो इसको हमको ध्यान देना पड़ता है कि किस पोर्शन को हम जो कि साइडेड कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे आपका ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी जो साइज होती है ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनका जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 5 से लेकर 35% तक इसकी इफिशियंसी होती है, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो कम होता है, एफिशिएंसी भी कम होती है, ठीक है, और इसका जो पावर फैक्टर है वो भी आपका कम होता है। तो सस्ता होगा, इसका स्टार्टिंग टार्क, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी कम होगी, इनिशियल कास्ट भी इसकी कम होगी। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज आप टेबल फैन में, एग्जॉस्ट फैन में, हेयर ड्रायर में, फ़ैन आप एसी, ठीक है, जो एसी में फ़ैन लगे होते हैं उसमें हम इनका यूज करते हैं, फोटोकॉपी की जो मशीन है इसमें भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए अब आपका ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है, हमने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग है, इसका इनिशियल कास्ट जो है कि कम होती है, इनिशियल कास्ट कम होती है, पावर फैक्टर कम होता है, और इसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है, ठीक है, इसकी इफिशियंसी कम होती है, ये सस्ते होते हैं, और इसकी इफिशियंसी हमने आपको बताया 5 से लेकर 35% के बीच होती है, ठीक है। ये आपका लगभग 40 वाट तक आपके इस टाइप के मॉडल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे इसका आप सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी क्या है, मेन वाइंडिंग है, ये आपका रोटर है, ठीक है। तो ये मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक जो फ्लक्स होंगी वो सेटअप होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होंगी। तो यहाँ पर आपकी क्या है, साइडिंग बैंड है, साइडिंग बैंड का मतलब कॉपर रिंग है, तो इसमें आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, इन दो क्वाइलों में भी क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये जो इसमें आपकी फ्लक्स है, तो इससे आपका क्या होगी, करंट पास होगी, करंट की पास होने की वजह से इसमें भी आपका एक ईएमएफ की वजह से एक ईएमएफ ये, एक ईएमएफ ये, दो आपके इसमें क्या हो जाएंगे, फ्लक्सेस हो जाएंगी, दो फ्लक्स हो जाएंगी। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो फ्लक्स हैं, तो ये दोनों फ्लक्स की वजह से क्या होगा, जैसे कि हम जो है कि जब स्प्लिट फेज या कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमारी दो फ्लक्स क्या कर रही थी, इंट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। तो उसी की वजह से आपका इस पर क्या लगता है, टार्क लगता है, ठीक है। अगर एक टार्क इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें, एक डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करें, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें, तो फाइनली क्या होगा, रोटर आपका रन नहीं करेगा, ठीक है, रोटर आपका घूमेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हमारा जो मोटर है वो किसी न किसी डायरेक्शन में घूमे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो साइडेड पोल मोटर है उसमें हम साइडिंग बैंड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी फ्लक्स है, तो जो इसमें आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन रही है, इसमें आपका क्या होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी,
प्रोड्यूस होगी। इसमें क्या होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो अनसाइडेड पोर्शन। ये देखिए आपका कैसा पोर्शन है, ये आपका अनसाइडेड पोर्शन है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन अनसाइडेड पोल टू साइडेड पोल की तरफ होगी, ठीक है। तो मोटर आपका किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मोटर आपका उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी रोटेट करेगी, ठीक है। तो आपकी अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो मोटर भी आपका किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो मोटर आपका जो है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होता है, आपने देख लिया कि जब आप इसमें सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी जो है कि रोटेट करती है, ठीक है। इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, अनसाइडेड पोर्शन से लेकर साइडेड पोर्शन की तरफ, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुई है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, अनसाइडेड पोर्शन से लेकर साइडेड पोर्शन की तरफ क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो मोटर आपका किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मोटर आपका उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करेगी। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे यहाँ से कैसे बनते हैं, देखिए दो चार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो आपका जो साइडिंग बैंड रिंग है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, कॉपर की होती है। साइडिंग बैंड या साइडिंग रिंग, रिंग किसकी बनी होती है, किसमें, साइडेड पोल मोटर में। इसकी इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी कम होती है। पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, कम होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में आपसे ये दे देगा, चार ऑप्शन दे दिया कि इसमें से किसका जो स्टार्टिंग टार्क सबसे कम है, तो आप जो है कि इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, सबसे कम इसी की होती है, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो जो आपके कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैं उसका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें से कौन सा मोटर ऐसा है जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आपका जो इफिशियंसी है वो आपके कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर की ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग में आपका जो स्टार्ट कैपेसिटर है वो स्टार्ट करने के बाद जो रन मोटर है वो उसको कंटिन्यू रन कराता रहता है, ठीक है, इसलिए इसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इसकी इफिशियंसी की बात करेंगे तो इसकी जो इफिशियंसी है 5 से लेकर 35% होती है। इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 5 से लेकर 35% होती है। ये सस्ता होता है सब मोटरों से, जो भी आप चार मोटर पढ़ें सबसे सस्ता मोटर होता है, ठीक है। और इसका अगर यूज की बात कर देंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स RMF ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, ये आपकी होती है अनसाइडेड टू साइडेड पोर्शन, ठीक है, अनसाइडेड टू साइडेड पोर्शन की तरफ आपकी ये प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से आपके कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं और इस तरीके से आपका ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा जिससे आपको ये लगेगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो कितनी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ओके।